पहले तो होली की वाइब जल्दी ही आ गई है। क्या कुछ बताना चाहोगे इस बार कितना स्पेशल होने वाला होली आपके लिए? होली हर साल ही मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि इसमें सब खुल के रंगों से रंग जाते, खुल के सारे गम सब कुछ प्रॉब्लम्स स्ट्रेस सब कुछ भुला के साथ में मिलके नाचते हैं, झूम उठते हैं। सो होली इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि बचपन से मैं दिल खोल के खेलती थी। उसके बाद ही फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाला था लाइक अप्रैल महीने में, बट होली में मार्च में मैं भूल जाती थी कि एक महीने बाद मेरे फाइनल्स हैं। तो बचपन से ही ना ये फीलिंग मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि सारे स्ट्रेस सारे प्रॉब्लम्स को भूल के होली के कलर्स में रंग जाओ और झूम उठो। सो होली इज़ अ वेरी स्पेशल ओकेशन फॉर मी और इस साल स्पेशल यही होने वाला है कि मैं जर्मनी में रहूँगी और आप लोगों के साथ होली नहीं खेल पाऊँगी, इसीलिए होली का सेलिब्रेशन इतना जल्दी शुरू हो चुका है। कुछ बताना चाहोगे कि जर्मनी में किस तरह होली का प्लान किया आपने? जर्मनी में मैं कलर तो ज़रूर लेके जाऊंगी क्योंकि होली के दिन एटलीस्ट मुझे माइकल को मेरे वुड बी मदर इन लॉ फादर इन लॉ उन लोगों को कलर लगाना है क्योंकि होली ऐसा ओकेशन है। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नोज अबाउट होली, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी सॉरी अबाउट माई थ्रोट, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लोग होली के बारे में बात करते, दे नो अबाउट दिस ओकेजन। सो इसीलिए मैं इस साल होने वाले सासू माँ ससुर जी और होने वाले पतिदेव के साथ खेलूँगी, मम्मी पापा को मिस करूँगी और आप सबको मिस करूँगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितना मिस करने वाले हो? मैं तो मिस करूंगी लेकिन मुझे ये बात का भी बहुत खुश है कि वो इस बार अपने होने वाली सास ससुर और अपने पति के साथ जर्मनी में होली खेलेंगे। उन लोगों को भी एक नया ओकेशन दिखने को मिलेगा। उन लोगों को पता है कि होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे इंडिया के लिए, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन उन्होंने कभी खेला नहीं। इस बार फर्स्ट टाइम वो लोग सुजीता के साथ भी खेलेंगे। नहीं, माइकल हर साल खेलता है। हाँ, माइकल उनके मम्मी पापा, हाँ, उनके मम्मी पापा की बात कर रही हूँ। सुजीता, कोई बचपन की कोई यादें होली को लेके? काफी स्पेशली काफी सारी यादें बन जाती है, बहुत सारी। सबसे पहले कलर कौन लगा था आपको होली में? मम्मी, आशीर्वाद लेने के बाद मम्मी और पापा, हमेशा इट्स बीन मम्मी पापा और उसके बाद फ्रेंड्स लोग। और फ्रेंड्स लोग सिर्फ कलर नहीं लगाते थे, वो सबसे पहले पानी डालते थे। तो होली का मेरा स्पेशल मेमोरी यही है कि हर एक एक घंटे में मुझे कपड़े चेंज करना पड़ता था, जो भी होली के लिए स्पेशल कपड़ा होता था कि होली के दिन एक नया कपड़ा पहनना है, तो वो कपड़ा बहुत ही जल्दी लाइक सुबह के 11 बजे तक गीला हो जाता था और हर एक एक घंटे में मुझे कपड़े चेंज करना पड़ता था। रही बात वाटर बलून की, हाँ ऑफकोर्स बहुत बार किया है, बट मैं बहुत हमेशा से सेफ खेलती हूँ। मैं किसी के सर में या आँख में नहीं मारने की कोशिश करती हूँ। वाटर बलून खेलूँगी तो मैं ढूंढ ढूंढ के किसी का पीठ ढूंढती हूँ और पीठ पे मारती हूँ। बात करें बिग बॉस के घर में, अगर किसी को आपको सबसे पहले कलर लगाना हो और वाटर बलून मारना हो तो आप किसको मारना? सबसे पहले कलर और वाटर बलून? सबसे पहले कलर लगाऊंगी मैं प्रियंका और शालिन को और सबसे पहले वाटर बलून मारूंगी मैं शिव को। ऐसे ही शिव के साथ आजकल मेरा खुंदक चल रहा है, ऐं भी खुंदक चल रहा है, तो उसको वाटर बलून मारूंगी एंड आई एम श्योर वो भी मुझे वाटर बलून मारेगा। और शालिन और प्रियंका को कलर और अब्दू को भी, बट अब्दू इज इन दुबई राइट नाउ। सुजीता, मैं बात करूं जिस तरह आपकी जर्नी रही है बिग बॉस के घर पे, काफ़ी उतार चढ़ाव वाली जर्नी थी, आप री एंटर भी किए तब काफ़ी फैंस आपकी खुश हुए एंड एमसी स्टैंड अप की तरफ जीता, पूरी जर्नी के बारे में अगर छोटे से वर्ड में अगर आपको कुछ बोलना है मेरी जर्नी के बारे में, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी एंड एमसी स्टैंड मीनिंग दैट ट्रॉफी? मैं सिर्फ अपने जर्नी के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे दोबारा मौका मिला है। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, वो जो भी वजह से मुझे वापस से जाने का मौका मिला है, इस गेम को, इस खेल को, इस शो को और बेहतरीन तरीके से समझने का मौका मिला है। दैट्स वाई आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मुझे लगता है कि ऑडियंस में जिसके साथ भी मेरी बात हुई, जितने भी ऑडियंस के साथ मेरी बात हुई, सबने एक ही चीज़ बोली कि सुजीता यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेरी डिग्निफाइड। इवन सलमान सर टोल्ड मी वेरी वेल प्लेड, वेरी डिग्निफाइड। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑडियंस ने मुझे ये
तरीके से देखा कि मैंने डिग्निफाइड खेला है एंड आई वॉज वेरी वेल, आई वॉज वेरी डिग्निफाइड इन द शो एंड आई प्लेड वेल, सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी. एंड रही बात एम सी स्टैन का, ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट, क्योंकि अगर उसको इतने वोट्स मिले हैं, इतने ऑडियंस के सपोर्ट मिले हैं, तो डेफिनेटली ही डिजर्व्स इट. और वो बहुत ही जेन्युइन बंदा डे वन से लास्ट डे तक था. ये होली की मैं बात करूँ, काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें आपके साथ हो रही, बट मैं प्रोफेशनल वाइज व्हेन यू कम बैक टू इंडिया देयर विल बी मेनी ऑप्शंस फॉर यू. अभी भी ऑप्शंस काफ़ी खुले, आपने कभी अच्छे से हमें कभी ऑप्शंस के बारे में आपने बताया नहीं. आपने हमेशा कहा कि चीज़ें जब होगी तब आपको बहुत सारे ऑप्शन बताएगी, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोफेशनल वाइज चूज अ करेक्ट प्रोजेक्ट राइट नाउ? कभी कभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास दो तीन चीज़ों के ऑफ़र आते हैं तब आप कंपेयर करने लग जाते हो, और शायद तीनों कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगे बट फिर आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करने लग जाते हो. सो इट गेट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ द राइट प्रोजेक्ट एट द राइट टाइम एंड द राइट कैरेक्टर. मैं एक सवाल पूछूंगा, आपके ऊपर है, आपको जवाब देना है, ठीक है नहीं देना है, इट्स ओके, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन. हम कहते हैं होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती है होली में. एंड मैंने देखा था बिग बॉस की जर्नी में, आपकी जर्नी में, ये बिग बॉस भी चाह रहे थे यू एंड टीना बैक बिकम अ फ्रेंड्स, तो अगर आपको कभी मौका मिला उनके गले मिलने का, रंग लगाने, तो आप लगाओगे? इट्स अप टू यू. डजेंट मैटर, क्योंकि वही कल कोई तो इंटरव्यू में मैं बोल रही थी, हम अभी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, हम न्यूट्रल है. मतलब फीलिंग्स ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल है. अगर सामने दिख गई, मिल गई और रंग लगाना है तो लगा दूंगी, नहीं है तो नहीं है, इट डजेंट मैटर. अपकमिंग प्रोजेक्ट तो बहुत जल्दी मैं चाहती हूँ कि शुरू हो जाए और आप लोगों को मैं एंटरटेन कर सकूँ फिर से, तो इसीलिए ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआ भेजिए ताकि जल्दी से मैं एक ढांसू और अमेजिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट शुरू करूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.